नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियोस देखते हैं, हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में कल से पालन करूंगा यह सोचकर एक बार फिर अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं भी या नहीं। इसलिए अगर आप इस आदत से सच में पीछा छुड़ान चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी को एक नया दिशा देना चाहते हो, तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान सुनिए। हो सके कि इस वीडियो को देखने बाद आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, अपनी जिंदगी और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकल सको। हो सकता है कि आप 17 साल से 25 साल की उम्र के बीच हो और आप इस वीडियो देख रहे हो, तो जरूर ही आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इस वीरनाश लत से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीरनाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेगा और इस बेनिफिट से आपके लाइफ में बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आप वीरनाश को जबरदस्ती रोक कर रखोगे तो ये इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन की निर्माण करने की ताकत है, एक नए जीव को दुनिया में लाने की ताकत रखता है। इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने की वजह इसे किसी नए दिशा में निर्धारित करना चाहिए, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह लोग इसे ऊर्जा सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन जाते ही यह ऊर्जा हस्तमैथुन के जरिया या स्वप्न दोष जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने जरूरत है। जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे, तो तब आपकी हस्तमैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्तमैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। जिस वीर्य को निकलने हमें जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उस वीर्य को अपने शरीर में धारण करने से सोचो हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचारी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और आप वीरनाश से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल गंदे वीडियो देखना पूरी तरह बंद करना होगा और ज्यादा से ज्यादा गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों पढ़ना होगा, और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, रोज सुबह उठने का प्रयास करें, और जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत उस जगह से उठकर चले जाइए या फिर 10-12 पुशअप लगा दें, जिससे ध्यान विचार की तरफ न जाए। और आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठा जाना चाहिए। योग विजाम सुबह शाम करें और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे, जिससे मन में परिवर्तन हो सके। लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है, वैसे अगर बात की जाए कि कितने दिन में असर दिखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहले या दूसरे दिन से ही असर दिखने लगता है। असर दिखने का ये मतलब नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो गए, नहीं। अगर आपने काफी दिनों से लगातार हस्तमैथुन किया है और आपकी सारी एनर्जी उसमें लॉस हो गई है, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपको पुनः एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उस चीज को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे वे अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के वो सभी फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखी है या औरों से सुनी है, तो आप कम से कम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ऐसा सुनकर आप लोग वीडियो छोड़कर चले मत जाना कि यार इतना दिन कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो मेरे भाई, एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना हस्तमैथुन किया? चलो मैं बताता हूं, 1 साल, 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा तो सोचो। जब आपने सालों बर्बाद कर दिए बस उस गलत चीज के पीछे,
फिर 90 दिन तो कम ही है, मुझे भी पता है भाई। किसी भी आदत को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना छोड़ना। अब कुछ लोग 90 दिन के पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय देना होगा। अगर आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो गए तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे इसके फायदे तो बहुत हैं, मेरे बताने से शायद आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन जब आप खुद इसका महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं कुछ फायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक संबंध बनाते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थी और अपनी मौत तक उनको देखने की क्षमता उसी तरह से काम करती रहती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हो, तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए, जो कि अक्सर लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वह है चेहरे पर तेज। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है, चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है, यह आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एक आग्रह नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसीलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपके खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह काम गलत ना करें, और यह होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस विषय में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं, या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक नहीं साध सका हूं, अब मैं उन चीजों को साध दूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का संकल्प होगा तो यकीन मानिए,
एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और दिशा में प्रगति चाहते हैं, तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि चित्तौड़ यातमना, उपक्रम, शिप्रा, यह तम जो जीवन की आपका वीर जो है वह आपके मन के अधीन है और आपका शरीर आपके वीर के अधीन है। यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीर को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते। वो यन के इन प्रकार बाहर जाएगा ही, और अगर शरीर से बाहर निरंतर वीरे जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, उसकी पूरी संभावनाओं का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी व्यवसाय पर, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ जब वीर्य सुरक्षित होने लगता है शरीर में, तो वह ओजस्वी रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है, और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वो प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने व्यर्थ है हस्तमैथुन, अधिक क्रियाएं मस्टर्बेशन, आप जितना कर लें उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं कोई समस्या नहीं है, और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर भी डिले चला ही जाएगा। मेरा यहां पर एक प्रश्न है, एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वह अपने वीडियो को 3-4-5 महीने तक एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षित कर सकता है, स्वप्न दोष शादी से बच सकता है, उचित व्यायाम करें, आहार का ध्यान रखें और विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर है इनके प्रभाव में आकर के गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उनको कई बार तो एक एक दो दो दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में स्वप्न दोष आदि की समस्याएं बनेंगी। तो एक तरफ तो यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीडियो को सुरक्षित कर रहा है, दूसरी ओर ये व्यक्ति है जो महीने में ही 4-5-6 बार इसका वीडियो स्वप्न दोष शादी के माध्यम से शरीर से बांट जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीडियो को सुरक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर विदेश जाना ही है तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है उसका भी सुनाई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया स्टैंड योग हो और चाहे आप उपनिषद आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूं कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं यह भी मानता हूं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़कर के अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। ज्ञान में से न ज्ञान को ढक लेता है। क्या ढक लेता है ज्ञान को? जो ये कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है। ज्ञान के ढकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, ये बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब वह अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी, तो ये सारी जो बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं आवृतम, यह ढक जाएंगी। लेकिन जिसे यह ध्यान हो जाता है कि यह क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारक हैं, वह इनको शत्रु मानता है। जिसे पता चल गया कि यह सारी क्रियाएं कितनी गलत हैं, ज्ञानियों उन ज्ञानियों के लिए नित्य परिणाम, यह सब जो वासनाएं हैं, यह सब जो कामनाएं हैं, ये सारी शत्रु है उसकी, वह इन्हें शत्रु समझता है और इनका वह त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही आपको पतन की ओर ले जाएंगे। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको यह फंसाता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। ये एक नहीं, कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि यह विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटकाएगा, निश्चित भटकाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है, विचार आएंगे उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि
तांते तो एक क्षण उभारता कि जो ये तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इनको सहन कर। सहन करोगे तो उनसे ऊपर उठ सकोगे। एक बार जिस प्रबलता से वेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली, तो अगली बार उससे भी ज्यादा वेग में बढ़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करें, तो अगली बार जो वेग आएगा कमजोर होकर के आएगा। यह निश्चित बात समझें, यह बात समझ लें कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। यह निश्चित समझे, पक्की बात समझे। आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, उतना ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, एक साल दो साल जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी भर्तियां विकसित करते हैं अपने अंदर, तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको यह सभी कर्म निकृष्ट लगने लगेंगे, आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे, आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा, आप समझें कि सरल हो जाएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि शुरुआती समय की बस हो सकता है, ये आप ध्यान रख लें। एक अच्छा संकल्प करें कमेंट के माध्यम से, अभी आप साझा करें, एक वर्ष दो वर्ष जितना आप चाहें, एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाए। आप देखेंगे कि बड़े बदलाव होने वाले हैं आगे जीवन में। जो चीजें आपको भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती हैं, जितनी कम ऊर्जा होगी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी। जो व्यक्ति हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकारियों को कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है। पौराणिक ऊर्जा को कम करने वाली चीजें, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृद्धि को तंदूरी बनाने वाली चीजें क्या क्या हैं? तेजी से आप इस बात को समझ लें। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को रोको। एक विचार आया, उस पर चिंतन ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात की गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो। बिल्कुल अच्छा घर का बना सात्विक भोजन, एल्कलाइन भोजन, फलों का सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें, पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा सतावना आदि है, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे समझे, आपके क्रोध से बचना है। क्रोध भी जो है आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है। ध्यान रखना है एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। हमारे बंधु कितने निराश होते हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का अब कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है, मनुष्य है आप, गलती होती है। लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझ के गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराशा नहीं होना, ये नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है, ध्यान रखना है हमेशा कि आपको एक समय व्यायाम तो करना ही है और अपने स्केड्यूल को थक आना है। कैसे व्यायाम करते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, प्राणायाम आदि के अभ्यास करें, शरीर पकना चाहिए। एक बार इस बात का ध्यान रखना है, एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन, दिशा विहीन जीवन, जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है, आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा। तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, चाहे आप स्वरूप ध्यान करें, जो आपका तरीका हो, किसी भी तरीके से आपको परमात्मा से जुड़ना है। जितना आप प्रभु के निकट होते चले जाएंगे, उतना ही आप प्रभु की माया, यह माया ही तो है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे निवृत्त होते जाएंगे, बचते चले जाएंगे। तो अंतिम बिंदु विशेष है, इसे आप ऐसा ना समझें कि इसके बिना ना ये विशेष है, ये अति महत्वपूर्ण है। आपको परमात्मा से जुड़ना है, अपने मन को सतावनी व्यक्ति में रखना। तो बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं और जो हमने पूर्व में कहा उसके प्रति सजग रहते हैं, तो आप यकीन माने जीवन अलग हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। हमारा कर्तव्य है आप तक सही मार्गदर्शन। हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, आर्षियों ने जो कहा है,
आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं, वह आप तक पहुंचाए। आप उसको कितना जीवन में धारण करते हैं, यह आपका चुनाव है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।